समझ ही नहीं पा रहे हैं, खोखला हो गया दिमाग। नहीं 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 समझ जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप जो ये कह रहे हो ना, ऐसा मत बोलो कि खोखला हो गया, तो माफ करना, और 10 मिनट में इनका बात सांग करके आपसे बताऊ। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति निर्माण नहीं कर सकता। अगर वैज्ञानिक के दृष्टि में देखें, एवरी एनर्जी इज कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ या किसका लॉ है। तो ऐसे इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी ज्ञान कभी भी 100% डिलीट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में है और था और रहेगा, आता नहीं। अभी आप बोलोगे, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा निकला कि सबको हतचंबित है कि 23,000 साल पहले तांबे का तलवार और लोहे का कुछ ऐसा और कुछ एरोप्लेन उड़ता नवा कोई द्रव्य प्राप्त हुआ, वो भी कितने हजार गहरे फुट नीचे, उनको वो ऊपर का कुछ स्कैनिंग। यानी अब वैज्ञानिकों का दिमाग खराब, क्योंकि अगर 5,000 साल पहले महाभारत बना तो 23,000 साल पहले का चीज कुछ मिला ऐसा बोल रहे हैं साइंटिफिकली, वो ब्लैक ब्लॉक क्या टेस्ट करके वो लोग निकाले हुए। यानी आज जो कुछ आप कह रहे हो कि हमारा संस्कृति और ज्ञान डिलीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, और आज हमारे से हमारे हाथ से निकल जा रहा है, कुछ निकल नहीं जा रहा है, सब है यहीं पर। आपको ध्यान के माध्यम से, मंत्र तंत्र यंत्र के माध्यम से आपका बैंड को वहां फिट करना है, वो आ जाएगा। अगर पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य 108 बांग्मय ये मोटे मोटे किताब बिना रिपीट एक लाइन का लिख सकते हैं, तो उनका बाप का प्रॉपर्टी नहीं था। वह विश्व शक्ति, वो अध्यात्म शक्ति, वो महामोहिनी, महासरस्वती, महा काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के जो नील सरस्वती बीज से उनके अंदर आया होगा वो रोग। एवरीथिंग अवेलेबल इन यूनिवर्स। तो आप जब ये कह रहे हो कि हम तो पूरे अंधेरे अंधेरे में हैं, अब कैसे करेंगे और क्या करेंगे, हमें कोई रास्ता बताओ। मैं तो दो ही रास्ता बताऊंगा। एक, जैसे आप बोले ना, कोई कर नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसके अंदर वो आध्यात्म साधना का शक्ति नहीं है। अगर आप कम से कम दिन का 1,000 मंत्र का जाप नहीं करते, उदाहरण दे रहा हूं, आप अगर नित्य हवन नहीं करते, जो ऊर्जाओं का बात कर रहे हो, उन एनर्जियों को अंदर कवरअप नहीं करते हो, तो आपके शक्ति में, आपके शब्दों में, आपके प्रेजेंस में, शब्द तो मूर्खता है भाई, बस आप हो मेरे साथ काफी। देखना आपके बड़े बड़े शादी घर में नहीं, आपके बुजुर्ग या ऐसे कुछ लोग रहते हैं, वो उनका प्रेजेंस मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, और आप उनको बड़े ससम्मान लाते हो, कुछ करते नहीं है, बस ऐसे ही बैठे रहते किसी कोने में या ऐसे घूम घूम के देखते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। कुछ बहुत जरूरी हुआ तो बोल दिए, नहीं तो नहीं बोले। और आप जाके ना, जब आपके पास कोई समस्या आ जाए ना, तो ताऊ जी क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो गया, हो क्या चिंता कर रही है तू, खा रहे है ना भाई, जा आपका भी दिमाग खराब हो। 10 लाख वो मांग रहा है 10 लाख रुपया और बोलता है थारे है, क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, ऐसा क्या कर देगा ये। अरे वो नहीं मांगेगा तो आने तो दे, बुढ़ऊ ऐसा क्या कर देगा जो नहीं मांगेगा उसको जो। अच्छा उसका भी ताकत देखो, वो ताऊ उसका उसके ऊपर एक तो हाथ रख दिया ऐसा करके, तू जा चिंता मत कर मैं हूं, तो वो किसी भी सोच ले ले कि ताऊ तो है, पैसा निकाल देगा। ये इस लेवल पे सोचता हूं क्योंकि अकल कम है, इसका क्या सोचे, आने दो मंत्र ठोकेंगे वो चुपचाप बैठेगा उधर जाके। ताऊ बड़ा बड़ा तांत्रिक है, वो आके उसको हिप्नोटाइज करेगा, चाहे कोई मंत्र फेंकेगा, चाहे बालू फेंकेगा, या उसको देख लेगा ऐसा करके ना, ऊपर से नीचे तक। बनियाओं में बड़ा तांत्रिक ज्ञान रहता है, बिना तंत्र का बनिया धंधा चलेगा नहीं, मारा दो मंत्र, देख रहा हूँ साइड से। अच्छा ये कोई नहीं समझ के देख रहा है, मैं उधर साइड से देख रहा हूँ। अच्छा वो सब काम करके ना मेरे तरफ देखा, मैं भी उसको बोल रहा हूँ, ठीक समझ गया। तो हम अपने लैंग्वेज में समझ गए, वो अपने लैंग्वेज में समझ गया। तो कहने का तात्पर्य समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेरा कोई बाप का प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है और आपके पास नहीं, आपके पास भी है, आप ज्ञान जरूर, इसलिए मेरा कोई अहंकार घमंड नहीं है कि आपको बता देता हूँ। आपका प्रश्न इतना ही था, मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया इस बात को बोलने से पहले कि आप समझ जाओ कि आप भी हो, आप भी कंप्लीट हो, इसलिए आप मेरे पीछे पड़ो ऐसा नहीं किया। देखो जो अभी मैं उसको धरातलीय उत्तर देना चाहूंगा कि सिंपल सा काम है, अगर आपका गौशाला है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को यहाँ इस एरिया में 1 लाख गाय पाल के दिखाना है, मॉडल खड़ा करना है, तो सिंपल सा बात है। आप जानते हो हमारे भारत में और मुख्यतः हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
झारखंड बंगाल ये जो इस एरिया के जो माताएं हैं ना बड़े धार्मिक दुर्बलता में रहती है, आध्यात्मिक लेवल में बड़ा दुर्बल, इसका फायदा उठा, इनको जोड़ो, क्योंकि इन्हें आज गवर्नमेंट बर्बाद कर रही है, इन्हें आज मल्टीनेशनल्स बर्बाद कर रही है, इन्हें आज बाजार बर्बाद कर रहा है, एसएचजी के नाम, इनको मारने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ऋण लेके, देखो बनिया का बेटा ना जितना ऋण लेगा छाती फुला के मुंह मोड़ के घूमता है, बैंक में भी जाएगा ना तो छाती फुला जाओ बे बोले कॉफी पिलाओ सेठ जी आए हुए देखो कितना है, बोला नहीं वो 25-40 करोड़ का लोन है, बोला और लोग के ठीक है, वो रात को आराम से सो सकता है बनिया, ब्राह्मण अगर 1 रुपया किसी से दाल मतलब उधारी लिया उसका नींद बगाड़े, और यही काम आज गांव गांव में एसएचजी ग्रुप के नाम पे महिलाओं को कराया जा रहा है कि उनका नींद हराम हो गया है, बीमार पड़ गए, अगर उनको सुअर पालन मुर्गी पालन मुर्गा और बकरा पालन के नाम पे अगर ऋण दिया जा रहा है, और मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं देख लेना, हमारी माताएं रात को सो नहीं पा रहे बकरी खेती कर रहे और एक रात में सब बकरी मर गए, कुछ बीमार हो गए, मुर्गा पालन की एक रात में सब मर गए और आज ऋण हो गए, पैसा किस लाइन से लाके देंगे, तो उनको अगर गाय पालन का मेंचर दिया जाए उसके नाम पे ट्रेनिंग चली जाए, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गाय के नाम पे जहाँ जो सिटम, अभी मेरा उड़ीसा में एक गांव सटन मिला है इन्वेंट हुआ, वहां को एक दिन प्रार्थना किया कहाँ कहाँ घुमा रहे हो, ऐसा नहीं है क्या जो करते हो ऐसे ऐसे कहीं से मिल जाए, और दूसरा दिन गाड़ी लेके निकला और उसी गांव में घुसा जंगल के अंदर 35 किलोमीटर, चमत्कृत हो गया, एक दिन में 32 गांव का विजिट हो गया मेरा, वो एक ही एसएनजी ग्रुप को पकड़ा और वो सबको फोन कर करके लाइनअप बोले आप कुछ मत करो खाली खड़ा हो जाओ 5 मिनट बोल देना, आपके शब्दों में आपके प्रेजेंस में हमें इतना ऊर्जा मिल गया, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि एसएनजी करोड़पति पद्मपति शंखपति कर दिया जा सकता है, जो सरकार भी नहीं सोचा उसका विजन वहां तक नहीं जा रहा है, आप सोचो बनिया हो ना 1000 औरत अगर आपके कंट्रोल पे आ गए आपके सिस्टम पे गोरक्षा के नाम पे आ गए विद इन आवर 1 लाख औरत अगर आपको 100 रुपया कमाई दे देते हैं किसी भी नाम पे वो हरिड़ा बहुड़ा औंला के नाम पे खली चौथी और के नाम पे या उनका कुछ भी प्रोडक्शन के नाम पे औषधीय तत्व प्रोडक्शन के नाम पे या छोड़ दो घर घर में गाय आ गए ना गोमूत्र गोधन भट्टी बना देंगे ना और 100-100 रुपये का कमाई आपका हो गया तो 1 लाख रुपया 1 मिनट में कमाई बनिया के डायरेक्शन से समझा रहा हूँ तो इतना बड़ा एनर्जी अगर 100,000 महिलाएं आज गाय रख के सक्सेस हो जाए टारगेट 100 से चालू करो 100 एसएचजी ग्रुप को गाय का प्रोजेक्ट देना है परफेक्ट उनको छोड़ नहीं देना गाय दे दिया मेरा ड्यूटी ओवर ना गाय दे दिया तो ड्यूटी 100 गुनी बढ़ गई मैनेजमेंट कहता है व्हेन यू डेलीगेट समबॉडी देन योर ड्यूटी टू यानी 2 गुना ज्यादा बढ़ गई डेलीगेशन के आप ऐसा नहीं कि किसी को दायित्व दे दिए तो आपका दायित्व खत्म हो गया आपका उसका बढ़ गया 2 गुना 4 गुना बढ़ गया क्योंकि उसका परफॉर्मेंस और आपका परफॉर्मेंस आपका बिलीव और आप उसको जो हैंडओवर किए जॉब वो सारा दाव पे आ गए तो 100 गाय अगर 100 गाय के औरतों को खड़ा कर दिए एसएनजी ग्रुप के माध्यम से और 100 को भी हम लोग ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग घर जा जाके ट्रेनिंग मूवमेंट कर दिए आपको बैठ के फिर वो क्या बोलते हैं लड्डू बनाने का जरूरत नहीं है वही बना के आपको लाखों पीस दे देंगे आपको सिलाई करने के लिए नहीं मशीन बैठाना पड़ जाएगा गोबर का लड्डू बनाने के मेरे को तो आज दिखाई दिया कि गोबर का माला से अब बहुत बड़ा भयंकर कुछ होने वाला है ये मोबाइल का चिप्स जो नहीं दे सकता क्योंकि ये जो चिप्स है इंसान का रेडिएशन चिप काम दे देगा ठीक है ना तो ये हो सकता है बहुत बड़ा रिजल्ट आने तो जब 100 महिलाओं को ले लेंगे फिर धीरे धीरे 1000 को लेंगे फिर लाख पे ले लेंगे और मैं बताता हूँ याद रखना उड़िया में बोलते हैं तुंडो बाई दो सहस्रों को यानी आप पोस्टर पंपलेट बैनर यूट्यूब वीडियो प्रोजेक्टर में जितने लोग तक नहीं पहुंच सकते इस देश के माताओं के कान में अगर भर दो ना तो 1000 कोस चले जाएंगे बात सक्सेसफुली बस ये है कि वो 100 माताओं को सही सिलेक्शन करना ऐसा नहीं गधा घोड़ा भेड़ बकरी ना मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी वो जो 1000 गांव 1000 औरतों को 100 गांव का टारगेट बनाए 32 गांव का मैं बोला सबको नहीं दे सकता मेरा सिस्टम पे आपको खरा उतरना पड़ेगा क्योंकि मैं जो 100 माताओं को पकड़ के उनको गाय का प्रोजेक्ट से चालू करूंगा तो वो मेरे ग्रेड वन होना चाहिए यानी मैं छान के लूंगा 1000 माताओं से 100 माता लूंगा इसका मतलब नहीं कि बाकी 900 से 900 काट दूं नहीं आप मेरे सेकंड लाइन पे आ जाओगे थर्ड लाइन पे आ जाओगे आपके मनोबुद्धि चित्त अहंकार के अनुसार मैं आपको छाट के छाट के दूंगा
लेकिन अभी जो 100 पहला वाला को रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ये 100 के सफलता के ऊपर निर्भर करता है बाकी पीछे का 1000। और जब वो 100 माताएं आपके बाद से रोजगारक्षम हो जाएं, गौ आधारित अर्थतंत्र व्यवस्था बन जाए, गौ आधारित जीवन तंत्र बन जाए, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, और बाकी जो जो हम कह रहे हैं उन 100 का टारगेट बना लिए, तो फिर उनका बेटा बेटी कहां जाएंगे बताओ? आपके गुरुकुल में। वो खुद बुला के बोलेंगे, यहां तक मैं बताता हूं, मैं चमत्कृत हो गया। वो 32 गांव की औरत, जहां मेरे को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिल रहा, 5 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार। मैं बोला ऐसा नहीं लूंगा, ऐसा नहीं लूंगा। अब तो कल तक नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कुछ भी दे दो ले लूंगा। आज जब 32 गांव वाले 5-5 एकड़ देने चाह रहे हैं, 5 एकड़ देना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अलग अलग जगह देखो, जो सबसे कन्वीनियंट एंड सबसे बेस्ट, मैं उसे लूंगा। समझ में आया क्वालिटी कहां ग्रो कर रहा है? कल तक वो हरडा 5 रुपए किलो में बनिया ठक के ले जा रहा था, माफ करना, आज 15 रुपए देने के लिए तैयार। मार्केट में 100 रुपए किलो है, पाउडर फॉर्म में 400 रुपए किलो है, रामू के पास पहुंच जाने से उसका कुछ और मार्केट इज देयर। तो इतना बड़ा इनफाइनाइट टारगेट है, जो ना गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है, ना एनजीओ को समझ में आ रहा है, और एसएचजी भी मांग रहे हैं। तो हम लोग बड़ी सफलता पूर्वक काम को कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे, आपको सेकंड लाइनर मिल जाएंगे, आपको छात्र मिल जाएंगे, आपको आप जो आज छोटे से स्टॉल डाले हो ना, आप उस समय स्टॉल नहीं, आप रेलवे वागन जैसे बड़े बड़े स्टोर हाउस जो आज हम सपना देख रहे हैं। अब 32 गांव, 1000 औरत, हरड़ा बाड़ा औला लाके देंगे, गोबर का कंडे देंगे, गोमूत्र का अर्क देंगे, बट्टी देंगे, कहां रखोगे? एफसीआई का गोडाम बनाना पड़ेगा। कहां सोच में बैठे हो? छोटा सा स्टॉल लेके स्टूल में बैठेंगे बोल के। मैं कह रहा हूं एफसीआई के आगे चावल का गोडाउन के आगे पंचगव्य का गोडाउन बनेगा, जगह नहीं होगा, सोच वहां तक लेके जाओ। और याद रखना, जीसस बोल के गए हैं, इफ यू नक द डोर डोर विल ओपन, इफ यू आपका चाहत है तो राहत मिलेगा, या चाहे वहां रहा है, हो नहीं हो, बोल रहा हूं ना, मेरा शब्द जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिट करेगा। ये क्या ढूंढ रहा है? बोल रहे हैं हम बोरे वो पाइप खोदेंगे और 20,000 रुपया महीना कमाएंगे। अबे 20 लाख का सोचा कर, 20 करोड़ का सोचा कर, तेरा दिमाग इसीलिए गोमाता बना के रखे। इट्स पॉसिबल, वेरी इजीली पॉसिबल। ट्रेनिंग सिस्टम चालू करो, ये मत देखो ट्रेनिंग में कौन बैठा है, मेरे गोकथा में कौन बुढ़ी लोग आए हैं, ये मत देखो। अरे यार समझेंगे नहीं समझेंगे, दिमाग में आएगा नहीं आएगा, 6 फुट नहीं है 12 फुट ऊपर से भागे। डोंट वरी, यू बिल्ड अप योर क्वालिटी, आप अपने शक्ति पीछे ऊपर डालो, डालते जाओ। आज नहीं पता नहीं और उगा है, नहीं उगा होता तो फिर यहाँ आके थोड़ी ना मगजमारी करते मेरे, मैं थोड़ी वो बाकी कथावाचों के जैसे इतना दोगे तो जाएंगे, प्लेन फेयर दोगे तो जाएंगे, एसी सेकंड क्लास दोगे तो जाएंगे, 5 स्टार में रखोगे तो जाएंगे, कुछ है ना। लक्ष्य कदाचित अपने सुख संभोग भोग का नहीं है, वो रक्षा ही है, ग्राम रक्षा ही है, भारत रक्षा ही है। और ये शुद्ध भावना से कर रहे हो, बेधड़क सफलता है, हुआ है, मैं कर रहा हूं, और वो संयोग लगा देंगे। सोचो मैं इतना दिन प्रयास के बाद 1000 औरत नहीं पाया, और ऐसा झटका मिला कि गांव के 1000 औरत तैयार हैं, मेरा गाड़ी पहुंचा नहीं, वो औरत वो एसएचजी ग्रुप मेरा इंतजार में खड़े होता है। और मैं बताता हूँ, छत्तीसगढ़